अगर यहाँ पे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होंगी, आपको आपके रूल्स रेगुलेशंस अच्छे तरह से क्लियर होंगे कि मेरी क्या पावर्स हैं, मैं क्या क्या चीजों में क्या क्या कर सकता हूँ, क्या मैं लेट्स से कोई मुझे बुली कर रहा है तो क्या मैं 911 फोन कर सकता हूँ फॉर दैट मैटर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट टॉकीज। कैसे हो आप सब? मैं हूँ एकदम बढ़िया एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फॉर एवरीबडी वॉचिंग द वीडियो एज वेल। और आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही जबरदस्त चीज के बारे में, ऑनेस्टली, क्योंकि सब लोग भागते हैं कि यार कनाडा जाए। मैं भी एक टाइम पे बहुत कोशिश कर रहा था कि कनाडा 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 कनाडा। क्या एक्चुअली गाइस सेफ है कनाडा? क्या हमारे लिए सेफ है? क्या हमारे बच्चों के लिए सेफ है? क्या हमारी फैमिली के लिए सेफ है कनाडा? दिस इज द टॉपिक ऑफ द वीडियो टुडे गाइस। तो इस बारे में आज मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि क्या एक्चुअली में कनाडा सेफ है हम इमिग्रेंट्स के लिए जो फाइनली कनाडा को अज्यूम करते हैं और एक टाइम पे नॉट अज्यूम कहेंगे कि एक टाइम पे सोचते हैं और फिर फाइनली उसे अपना परमानेंट घर बना लेते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं गाइस। हाँ जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या हमारे लिए कनाडा कंट्री एक सेफ प्लेस टू लिव है। तो इसका जवाब जो है गाइस वो हमारे पास ही है, हाँ भी और ना भी। अगर जनरली घूमूं तो क्राइम तो किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में, हम इंडिया से आए तो इंडिया में भी क्राइम इनफ था, यहाँ पे भी क्राइम है, ऐसा नहीं है कि क्राइम नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या मैं सेफ फील करता हूँ कनाडा में, दैट्स द क्वेश्चन। तो लाइक आई सेड, इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। हाँ, इसलिए फील करता हूँ सेफ क्योंकि ठीक है, सारे ही लोग रूल फॉलो करते हैं, बहुत ही सारे रूल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो सब जब लोग उसे फॉलो करते हैं तो आप जो सेफ्टी महसूस करते हो ना इनसाइड अंदर से, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कि मैं अभी यहाँ घूम फिर रहा हूँ तो क्या मैं एक्चुअली कंफर्टेबल फील करता हूँ यहाँ पे? तो आंसर है हाँ। कहीं पे भी जाने आने में मुझे दिक्कत नहीं होती क्योंकि पहले मैं जब नया आया था यहाँ तो मुझे रास्ते नहीं पता थे, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की थी जगह, तो थोड़ा सा डर लगता था। बट क्योंकि मैं एक मेन एरिया में रहता हूँ, डाउनटाउन में रहता हूँ, तो यहाँ पे जो सेफ्टी पर्पस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मली यू फील बेटर दैट यू आर सिक्योर्ड। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट से लोग एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, अप टू एन एक्सटेंट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि करते ही हैं, बट अप टू एन एक्सटेंट ऐसा करते हैं। दैट्स वाई यू फील सेफ। बट समटाइम्स वेन यू फील अनसेफ इज, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो बहुत, कई बार हर एक की लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा होता है तो आपको किसी का पता नहीं है सामना वाले का किस किस की लाइफ में क्या क्या चल रहा है, तो काफी कई बार लोग जो है रूड हो जाते हैं। तो आप किसी से अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में फंसने में आपको 2 मिनट लगते हैं लिटरली। अगर छोटी सी कोई बात हो गई, किसी से भी कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका झगड़ा हो गया, और उस झगड़े में सीधा सीधा पंचिंग ऑन द फेसेस हो जाते हैं। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज पे लोग उतर जाते हैं, मतलब हाथापाई पे उतर जाते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज नॉट द राइट वर्ड, हाथापाई पे लोग बड़ी जल्दी उतर जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान अपना खुद रखना है गाइस। तो ऐसे ही चलते फिरते तो कोई किसी को मारने नहीं लगता, ऑब्वियसली कोई बात होती है, किसी ना किसी रीजन से लड़ाई झगड़ा भी होता है, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है खुद ही। तो मैं उस केस में क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ किसी भी लड़ाई झगड़े में पड़ने से, टू बी ऑनेस्ट। अपना ख्याल खुद ही रखो, ज़्यादा लड़ाई झगड़े में मत पड़ो, और सबसे ज़्यादा सेफ रहने के लिए ज़रूरी क्या है गाइस कि आपको यहाँ के रूल्स रेगुलेशन अच्छी तरह पता होने चाहिए। क्या आपकी राइट्स हैं, क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, और क्या क्या आपकी पावर्स हैं एज अ रेजिडेंट ऑफ कनाडा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो किसी से भी, आप किसी भी बात पे अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि यू नो व्हाट, दिस इज रॉन्ग दैट यू आर डूइंग, दिस इज समथिंग दैट इज रॉन्ग एंड दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो भाई लोग, बात सारी ये है, अगर अपनी, अब आप चुपचाप झेलते रहोगे ना जो जो आपके साथ होता है, कभी कोई बुली कर रहा है, कभी कोई आपको तंग कर रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, अगर आप उसको चुपचाप सहते रहोगे ना, तो यहाँ पे उस चीज़ को कोप अप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सोशल सर्कल आपका यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना।
तो बुरा फील करोगे अंदर ही अंदर, और कुड़ते रहोगे अपनी फैमिली के साथ, और गुस्से में बात करोगे, खुद परेशान रहोगे पूरे दिन, कोई फायदा नहीं है। तो अगर यहाँ पे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होंगी, आपको आपके रूल्स रेगुलेशंस अच्छे तरह से क्लियर होंगे कि मेरी क्या पावर्स हैं, मैं क्या क्या चीजों में क्या क्या कर सकता हूँ, क्या मैं लेट से कोई मुझे बुली कर रहा है तो क्या मैं 911 फोन कर सकता हूँ फॉर दैट मैटर, क्या वो एक बहुत बड़ा इशू है, क्या मैं उस बंदे को रिपोर्ट कर सकता हूँ कहीं पे, नहीं कर सकता अगर किसी कोई मुझे परेशान कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह की चीजें जो है गाइज आपको पता होनी चाहिए, आपको परेशान नहीं होना है और आपको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। दैट इज द मोटो ऑफ माई कॉन्वर्सेशन टूडे। ठीक है, लड़ाई झगड़े बड़ी इजिली हो जाते हैं यार, उनसे पता नहीं किस किस का क्या क्या नुकसान हो जाता है, तो यू डोंट हैव टू डू दैट। दूसरी एक चीज़ का बहुत ख्याल रखो गाइज, अगर आप किसी ऐसे एरियाज में रहते हो जो काफ़ी क्राउडेड नहीं है, बहुत ही शांत काइंड ऑफ एरिया है, तो उन जगहों का आप ध्यान रखो, वहाँ पे जाना अवॉइड करो, रात में ज़्यादा निकलना कम करो, बिकॉज अपना ख्याल खुद ही रखना है। यू नेवर नो रोड पे कौन मिल जाए ऐसा जो आपका दिन खराब कर सके। ठीक है ना, तो मेरा जो पर्पस है वो सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज को लेके नहीं है यहाँ पे, तो ये भी है यार, रात को आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप किसी ऐसे रूरल टाइप एरिया में रहते हो या सिटी से दूर रहते हो तो आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ तो बियर्स भी आ जाते हैं। तो कहते हैं कि पीछे जो आपका बैकयार्ड होता है उसमें बच्चों को पेरेंट्स खेलने तक नहीं देते क्योंकि पीछे बैकयार्ड में बियर ही आ जाता है, और आपको पता नहीं है कि क्या क्या यू नो प्रॉब्लम्स हो जाए। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो इंडिया में सिर्फ आपको पहाड़ी एरियाज में मिलेंगे, प्रॉब्लम्स जो होती हैं, बट आपको नॉर्मल जो जैसे दिल्ली में आप रहते हो, चंडीगढ़ में रहते हो, तो इस तरह के इंसिडेंट सुनने को नहीं मिलते, बट कैनेडा में ये सब भी होता है। एनिमल स्केयर कई बार रहता है, कई बार जैसे हम ने एक बार न्यूज़ सुनी थी कि स्टैनली पार्क में कोयोट्स आ गए, कोयोट्स एक जानवर होता है, वो आ गए, तो आपको अपने फैमिली को अपने बच्चों को सेफ रखना है इन सब चीज़ों से भी, क्योंकि काफ़ी अलग तरीके की कंट्री है कनाडा। यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल इन एवरीथिंग एंड यू नो लिटरली एवरीथिंग दैट यू डू टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वैसे सब अच्छा है, सब कुछ है, ख्याल अपना खुद रखना है और परेशान नहीं होना है, दैट्स द मेन एम ऑफ द स्टोरी। अब बात कर लेता हूँ जल्दी से अपने बच्चों की। भाई बच्चों का क्या सीन है कि बच्चे आजकल ना कोविड के चक्कर में इतना टाइम घर पे रहे, सबके साथ है ये आई एम श्योर केस, ठीक है, घर पे रहने से बच्चों का जो सोशल नेटवर्क है, जो बाहर निकल के फ्रेंड्स बनते हैं, स्कूल जाते हैं, वो सब जो हैं वो काफ़ी कम हो गए। ठीक है, उससे जो बच्चे हैं ना, मैंने अपने बच्चे के साथ ऐसा फील किया है, वो काफ़ी रिजर्व रहने लग गए हैं। मतलब अगर मैं अपने बच्चों को सडनली 8-10 बच्चों के बीच में ले जाऊँ जैसे किसी एक्टिविटी वगैरह करवाने, तो मेरा बच्चा उन्हें ऐसे देखता है जैसे पता नहीं किन्हें देख रहा है, यू नो, तो काफ़ी ज़्यादा वो एक अजीब सी फीलिंग से उन बच्चों को देखता है, क्योंकि उसने वो देखा ही नहीं है उसने, राइट, उसने वो क्राउड देखा ही नहीं, उसने वो सोशल नेटवर्क बनाया ही नहीं, उसके वो ऐसे फ्रेंड्स है नहीं, स्कूल है नहीं जहाँ जाता है वो रेगुलरली। हाउएवर अब उसका स्कूल शुरू हो गया है, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग, सो अब चीज़ें ऑब्वियसली बदल रही हैं, कोविड भी कंट्रोल में है, तो काफ़ी कुछ है। बट अब आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके बच्चे जब जाते हैं स्कूल, कनाडा है एक मल्टी कल्चरल नेशन गाइस, यहाँ पे आपको हर कंट्री से लोग मिलेंगे, सारे यहाँ पे एज इमिग्रेंट्स आते हैं, तो ऑब्वियसली जब आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तो आपको अलग अलग कम्युनिटीज़ के स्कूल के जो बच्चे हैं वो मिलेंगे आपके बच्चे को, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हों। ठीक है, हो सकता है, मैं काफ़ी सारी न्यूज़ पढ़ता हूँ, काफ़ी सारी मूवीज़ में मैंने देखा है, किड्स को बुलिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे बुलिंग करते हैं दूसरे दूसरे अलग के, और अगर आपका बच्चा जो है काफ़ी रिजर्व है तो एक प्रॉब्लम आपके बच्चे को फेस करनी पड़ सकती है। और इसके लिए बेस्ट मैं क्या करता हूँ, व्हेनेवर आई गेट अ चांस, व्हेनेवर माय वाइफ स्वाति गेट्स अ चांस, वी टॉक टू आर किड, और उसको भी मैं यही समझाता हूँ कि आपने जब स्कूल से आप घर आते हो तो आपने एक एक चीज़ मुझे बतानी है, आपका दिन कैसा गया, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपने किससे बात की, किससे बात नहीं की, किसी ने आपको तंग तो नहीं किया, मतलब मैं एग्जैक्टली स्ट्रेट वर्ड्स में नहीं पूछता कि तंग किया है कि नहीं, बट मैं जनरली इनडायरेक्टली उससे पूछता हूँ कि पूरा दिन तूने क्या किया क्या नहीं किया, इससे मुझे ये पता रहता है कि मेरा बच्चा जो है वो एक्चुअली सेफ है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, अगर वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाता है और वो काफ़ी डर के अपने माँ बाप को यानी हमें कुछ नहीं बताता, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इन अ कंट्री लाइक दिस। स्पेशली मैंने कुछ पंजाबी मूवीज में, कुछ इंडियन मूवीज में ये सब देखा है,
स्पेसिफिकली इन कंट्री लाइक कनाडा, क्योंकि ऐसा बहुत ही ज्यादा कॉमन है, क्योंकि ये मल्टीकल्चरल की वजह से भी होता है यार, क्योंकि हो सकता है कोई और लेट्स से एक एक्स कम्युनिटी के लोग हैं वो काफी इंजॉयमेंट पसंद करते हैं, खेल कूद पसंद करते हैं, और एक वाई कम्युनिटी का बंदा है उसको थोड़ा रिजर्व रहना पसंद है लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, तो छेड़खानी थोड़ी बहुत हो जाती है जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं, बच्चे का एक मेंटल हेल्थ खराब होता है, वो परेशान हो जाता है, वो किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पाता, बिकॉज अगेन मल्टीकल्चरल है, तो हो सकता है उसको सारी लैंग्वेजेस नहीं आती, ऑब्वियसली किसी को भी सारी लैंग्वेजेस तो नहीं आएंगी ना, तो इसलिए बेस्ट है अपने बच्चों से बात करो, उनको आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कनाडा आते हो पैसा कमाने आते हो, मैं भी पैसा कमाने ही आया हूँ ऑब्वियसली, एक अच्छा फ्यूचर सेटलमेंट लेने के थॉट से आया हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी फैमिली और बच्चे को इग्नोर कर दें, ठीक है जी। तो कंट्री काफ़ी ब्यूटीफुल है, देखते रहते हो आप मेरे ब्लॉग्स में, नहीं तो एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज वेरी मच सेफ, हाउएवर देयर आर फ्यू कंसर्न्स जिसका आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है, और अपने बच्चों का ख्याल रखो, ध्यान रखो कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अपने आसपास की कम्युनिटी से अवेयर रहो, आपके आसपास क्या हो रहा है उससे अवेयर रहो, सो दैट आप अच्छे डिसीजंस अपनी लाइफ के लिए ले सको। गाइस ऑल इन ऑल एक चीज को ध्यान रखो, बहुत अच्छी कंट्री है, बट हर चीज को तभी अच्छा लगता है जब हम उसकी अच्छाइयों को लाइक करते हैं, राइट। मैं अगर कनाडा की सिर्फ अच्छाइयों को देख के उन्हें अडेप्ट करूंगा तो मेरे लिए कनाडा बहुत अच्छा है, अगर मैं उसकी बुराइयों को देख के उसे अडेप्ट करूंगा तो मेरे लिए कनाडा बहुत बुरा है, सिंपल एज दैट, ठीक है जी। तो आप देखो आपको क्या पकड़ना है, एंड आई एम श्योर आप सबको अच्छी चीजें ही चाहिए, राइट। तो ये बस छोटा सा एक मैसेज देने की कोशिश की गाइज मैंने, ख्याल रखो एंड हैव अ ग्रेट डे, होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी मीनिंगफुल लगी हो तो गिव इट अ बिग थम्स अप, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक देन गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट टॉक इज राइट अवे। और ऐसे ही मैं बैठा था तो मैंने सोचा ये वीडियो शूट करता हूँ, तो मैंने कर दी गाइस, जो दिल में आए वो कर देना चाहिए, दैट्स द टिप ऑफ द डे, ठीक है जी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल आई पोस्ट अनदर वन फॉर यू गाइस, दिस इज अमित साइनिंग ऑफ वंस अगेन फ्रॉम दैट टॉक इज, यू गाइस हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर डे, बाय बाय।